So hello guys, welcome to my channel. So today I will be going to explain uh, you a story in Hindi and English. And the name of the story is The Angry River. And the story is written by Ruskin Bond. So let's get started. Once upon a time there was a girl named Sita. This girl teaches Sita. She used to live with her grandparents. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा और दादी वो इनके साथ रहती थी शी अ हर्ट दैट वॉज ऑन एन आइलैंड तो जो आपको यहाँ पर लड़की दिख रही है ये सीता है जो कि एक हर्ट पर रहती थी और जो वो हर्ट थी वो आइलैंड में बसी हुई थी वन ऑफ द वर्ल्ड वॉल हर्ट लीन एक रॉक एंड अदर थ्री चट्टान की वजह से टिकी हुई थी और जो बाकी की थ्री वॉल्स थी वो मड की बनी हुई थी ओके इन द मिडल ऑफ द बिग रिवर The river that began in the mountains and ended in the sea it was a small island. A people tree stood on it. Okay. Okay. Then what happened? One day Sita's grandmother fell ill. Epar Sita Kik Dadimam pad Pan Sita's grandfather thought to carry her grandmother to a hesi. टू अ सिटी हॉस्पिटल तो उसके दादा ने सोचा कि मेरी पत्नी अभी बहुत बीमार है उनकी पत्नी यानी सीता की दादी बहुत बीमार है तो मुझे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा बिफोर गोइंग सीताज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन सीता दैट बिफोर ट्वेंटी ईयर्स द रिवर गॉड एंग्री एंड देयर वॉज अ फ्लड ओके okay, तो उसके बाद जो दादा होते हैं वो बताते हैं सीता को एक्सप्लेन करते हैं कि बीस साल पहले एक रिवर थी जो एंग्री हो गई थी जिसके कारण फ्लड आई थी और वो फ्लड आई थी तो कैसे ना कैसे करके तो वो बच गए थे सो इफ़ देयर इज़ फ्लड सो यू हैव टू क्लाइंब अपॉन अ ट्री उसके दादा कहते हैं सीता से अगर अगर वापस से फ्लड आती तो मैं एक ट्री में चढ़ जाना है हाउ हाउ एवर शी हाउ एवर शी वॉज लिविंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स फ्राम टेन ईयर्स मतलब जो सीता थी वो दस साल से रह रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो उसने इसका सामना नहीं किया था ओके सो देन सीताज ग्रैंड फादर टक सम गॉड्स विद हेम बिकॉज ही डो नॉट हैव मच मनी टू पे द डॉक्टर तो फिर उसके ग्रैंड जो उसके ग्रैंड पेरेंट थे सीता के वो अपने साथ कुछ गॉड्स ले गए क्योंकि उनके पास ज़्यादा मनी नहीं थी कि वो वो इलाज के लिए पे कर पाए ओके दैन दैन वट हैपन्ता वॉज अगेन एंड अगेन लुकिंग दैट देयर इज फ्लड और नॉट वन शी रियलाइज दैट देयर इज फ्लड शी पैक्ड ऑल हर इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट आइटम्स तो so, जब वो देखती रही बार बार कि फ्लड तो नहीं आ रही है अपने दादा दादी के जाने के बाद जब उसे लगा कि फ्लड आने वाली हो तो उसने अपनी सारी फेवरेट इम्पॉर्टेंट आइटम्स कलेक्ट किए दैन शी क्लिम्ड ऑन ट्री तब वो अपने तब वो एक पीपल के ट्री पे चढ़ने लगे ओके आफ्टर क्लाइम्बिंग शी रियलाइज दैट शी हैज़ फॉगेट हर फेवरेट डॉल द नेमा फॉर फेवरेट डॉल वॉज ममता तो जब वो पेड़ पे चढ़ी तो उसको एक चीज़ रिलाइज हुई उसने तो कि उसने अपने सो उसको रिलाइज़ हुआ कि उसने अपनी फेवरेट डॉल मुमता को तो वहाँ पर ही छोड़ दिया है शी वॉज डैन शी वॉज रिकॉलिंग हर मोमेंट्स दैट शी पास्ट विद फेवरेट डॉल तब फिर वो जो भी उसने मोमेंट्स अपनी फेवरेट डॉल के साथ बिताई थी वो वापस याद कर रही थी एंड शी वॉज सो सेट ओके Then she saw a crow that was protecting their eggs. तो वो उसने एक crow को देखा जो अपने eggs protect कर रहा था She was inspired by the crow. वो बहुत ज़्यादा inspired हो गई थी crow crow से And then she then she go into her house and search for her favorite doll and found it. तब फिर वो अपने घर जाती है और अपनी फिर डॉल को ढूंढती है और जब उसे मिल जाती है डैन वट शी सॉ अ बॉय नेम वॉज कृष्णा सॉरी कृष्ण एंड ही टेक अप ही टेक अप सीता ऑन हिस बोट तब फिर वो एक लड़की को देखती जिसका नाम कृष्ण था और कृष्ण उससे अपनी बोट पे बिठा के ले जाता है

उसके बाद उसने अपनी फ्लूट भी दे दी उसे तब फिर जब वो अपने दादा से मिली सीता तब उसे पता चला कि उसकी दादी अब दुनिया में नहीं रही एंड डैंड शी वॉज क्राइंग ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय लाइक एंड सब्सक्राइब